बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर 14। चैप्टर 14 बेटा हम पढ़ रहे थे, चैटरिस का इंतकाल हो गया है और चिप्स एक्टिंग हेड के तौर पर 1917 और 1918 ब्रूकफील्ड में काम कर रहा है और इसने ब्रूकफील्ड को संभाल लिया है और सबको नजर भी आया कि चिप्स के आने से चीजें बेहतर हो गई हैं। चिप्स अपने डिसीजन में सबसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखता था कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कायम रहनी चाहिए और ये भी कि बेटा अब चैपल में, चर्च में वो जो ट्रेजिक लिस्ट थी, वो जो बच्चों के लिए जो दुआया तकरीब होती थी, अब चिप्स उन बच्चों के नाम पढ़ता था टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज। जो है जो हेड का काम था, अब हेड तो नहीं है, चिप्स एक्टिंग हेड है, तो डेफिनेटली चिप्स ने वो खिदमत सर अंजाम देनी थी। One day he got a letter बेटा ए लेटर के लिए, from Switzerland, मुल्क का नाम है हम जानते हैं, from friends there, वहां उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने चिप्स को एक खत भेजा। It was heavily censored, यहां पर heavily से मुराद है severely, बहुत ज्यादा जो है इसको बैडली की सेंस भी दे रहा है ये, इसमें कांट छांट की गई थी। सेंसर बोर्ड का सुनते होंगे आप लोग अक्सर, जो इसका काम कांट छांट होता है, वो चीज जो काबिल एतराज हो उसको बेटा काट दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा सेंसर किया गया था। बट कन्वेड सम न्यूज, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ खबर पहुंचा गया। सम यहां क्वालिफाई कर रहा है न्यूज को, हम जानते हैं न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी होते हैं हम जानते हैं, तो पता ये चला सम जो है वो एडजेक्टिव है क्वांटिटी का, किसका एडजेक्टिव है, क्वांटिटी का। लेकिन बेटा जहन में रहे सम नंबर का भी एडजेक्टिव है, यानी सम हर जगह इस्तेमाल होता है। सम को अगर आप काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करें, चेयर्स के साथ, टेबल्स के साथ, बॉयज के साथ, फिर भी ठीक है, और सम को अगर आप अनकाउंटेबल, मिल्क है, वाटर है, न्यूज है, उनके साथ इस्तेमाल करें तो भी ठीक है। याद रखिएगा तमाम एडजेक्टिव बेटा नंबर और क्वांटिटी के नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी, मैनी सिर्फ नंबर का है, मैनी बॉयज ठीक है, लेकिन मैनी वाटर गलत होगा। मच जो है वो सिर्फ बेटा क्वांटिटी का है, मच मिल्क ठीक है, मच वाटर ठीक है, मच न्यूज ठीक है, लेकिन अगर हम मच बॉयज लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी, ठीक हो गया। ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, द बेटा संडे के लिए है, अगले संडे जो है, आफ्टर द नेम्स, द बेटा यहां नेम्स और बायोग्राफीज के लिए है, नेम्स एंड बायोग्राफीज ऑफ ओल्ड बॉयज, जब चिप्स ने उन बच्चों के बारे में बताया जो जंग में मारे गए या शहीद हो गए, उनके मुताबिक जो है ही पास्ड ए मोमेंट, ए बेटा मोमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए रुका, एंड देन एडेड, और फिर उसने अपनी बात में इजाफा करते हुए कहा, दोज फ्यू ऑफ यू, आप में से वो चंद लोग, आप में से बेटा वो, दोज किसके लिए बेटा, यू के लिए है, फ्यू भी किसके लिए है, यू के लिए, दोनों के लिए, दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब, ये डेमोंस्ट्रेटिव है बेटा एडजेक्टिव जो है। आप में से वो चंद लोग हु वर हियर, जो यहां से बिफोर द वॉर, जंग से पहले, दा हमने बताया मशहूर वॉर्स के लिए आता है, यहां पर इससे मुराद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, विल रिमेंबर मैक्स स्टेफल द जर्मन मास्टर, द बेटा यहां मास्टर के लिए है, जर्मन जो है बेटा ये प्रॉपर एडजेक्टिव है यहां पर जो है वो जर्मन मास्टर। याद है आपको चैप्टर 13 में चिप्स इलाज के लिए जिसके घर गया था, चैप्टर 12 में एंड में 1913 के अंदर जो है बेटा वो गया था, तो हर्स्ट, वहां इसका नाम हर्स्टेफल है या मैक्सटेफल बता रहे हैं, तो चिप्स ने इसी के घर रहायश रखी थी जब इसका इलाज हुआ था ब्रोंकाइटिस का, तो ये फिर जब जंग हुई तो बेटा ये मास्टर छोड़ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इंग्लैंड आमने सामने थे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो है, तो चिप्स जो है वो इंग्लैंड का है, बरतानिया का है, और वो जर्मन मास्टर वो चला गया हर्स्टेफल बेटा, ही वॉज इन जर्मनी विजिटिंग हिज होम, वो जर्मनी गया हुआ था अपने घर, वेन वॉर ब्रोक आउट, ब्रोक आउट बेटा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टार्ट सडनली, क्या मतलब होता है, स्टार्ट सडनली, जब अचानक जंग शुरू हुई तो वो अब जर्मनी गया हुआ था, ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हियर, जब वो यहां था तो बहुत मकबूल था, एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और बहुत से उसके दोस्त भी थे। याद रखिएगा उर्दू में हम कहते हैं दोस्ती कर लेना, उसने बुरे लोगों से दोस्ती कर लिया है, ही मेड फ्रेंडशिप विद बैड बॉयज, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, उर्दू इंग्लिश में जो होता है वो मेड फ्रेंड्स होता है, क्या होता है बेटा,
मेड फ्रेंडशिप नहीं होता बेटा, क्या होगा? मेड फ्रेंड्स होगा। दोज हु न्यू हिम, वो जो उसको जानते थे, यानी उस जर्मन मास्टर को, हम में से वो लोग, वेल बी सॉरी, तो उनको ये जानकर अफसोस होगा दैट ही वॉज किल्ड लास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते जो है वो जो मैक्स स्टेफल है बेटा वो मारा गया ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द बेटा वेस्टर्न फ्रंट के लिए मगरबी महाज जो है, ये बेटा मगरबी महाज जो है इसको स्टार्ट किया था जर्मनी ने। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब जर्मनी ने हमला करके बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर लिया। बेल्जियम ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्बिया का साथ दिया था। बेसिकली तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर्बिया और बेटा बोस्निया के दरमियान थी, लेकिन फिर ये आगे फैल गई, तो बेल्जियम ने इसमें सर्बिया का साथ दिया, जबकि जर्मनी जो है वो बोस्निया की साइड पर थे। ठीक है, ये सेम में रहे, तो वेस्टर्न फ्रंट पे वो जर्मनी की तरफ से लड़ता हुआ। अच्छा, ये भी ध्यान में रहे कि जब ये वेस्टर्न फ्रंट शुरू हुआ तो जर्मनी ने ना सिर्फ बेटा इसके ऊपर कब्जा किया बेल्जियम के ऊपर, बल्कि फ्रांस के भी बहुत से सनती इलाकों पर वो काबिज हो गया था। अब देखिए, जैसे हमने बताया आपको, देर आर सम बॉयज, सम बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है तो नंबर का है ये, ही पोर्ड सम टी को क्वालिफाई कर रहा है तो क्वांटिटी का है, यानी सम दोनों का एडजेक्टिव है बेटा, नंबर का भी है और क्वांटिटी का भी है। वेस्टर्न फ्रंट जो है बेटा ये जर्मनी ने, हमने बताया जर्मनी ने कब्जा कर लिया था बेल्जियम और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस, बेटा यहां पर है ना फ्रांस के बहुत ही अहम सनती इलाके थे, इस पर इसने जर्मनी ने हमला करके जो बेटा कब्जा कर लिया। He was a little pale, तो चिपसना थोड़ा सा, आ बेटा लिटल के लिए थोड़ा सा फेल, थोड़ा सा उसकी मतलब जो है हालत है ना जरा नाजुक सी थी। When he sat down afterwards, जब बाद में बैठा वो, aware उसे पता था, he had learned something unusual, unusual बेटा क्वालिफाई कर रहा है समथिंग को। याद रखिएगा, वुमन ऐसे होता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपने नाउन से पहले आते होते हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा बेटा। यहां पर अनयूजुअल अपने जो है समथिंग से पहले नहीं आ रहा, बल्कि समथिंग के बेटा बात आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक होगा, उसे पता था कि उसने कोई गैर मामूली सी बात कर दी है। वो इस तरह देखें, पाकिस्तान के लिए इंडिया से जंग हो जाए, और यहां पर मौलवी साहब जो है हमारे बच्चों के लिए दुआ करवा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं वहां जंग में, और साथ में आप कहें जनाब आपको ये भी जानकर बड़ा अफसोस होगा कि इंडिया के जो एक टीचर यहाँ पढ़ाते थे वो भी मारे गए, तो आप कहेंगे उनका क्यों अफसोस होगा, वो तो हमारे खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया है। तो चिप्स को पता था, उसने ये बात थोड़ी सी गैर मामूली कर दी है। ही हैड कंसल्टेड नोबॉडी अबाउट इट, चिप्स ने किसी से मशवरा नहीं किया था कि मैं ये नाम लू या ना लू। एनी हाउ नो वन एल्स कुड बी ब्लेम्ड, और किसी को आप जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते स्वाय चिप्स के। लेटर आउटसाइड द चैपल, बाद में जब वो चैपल से निकला था बेटा, चैपल को क्वालिफाई कर रहा है वो जो चर्च जहां पर ये चिप्स ने दुआया तकरीब से एड्रेस किया या दुआ मंगवाई। हियर्ड एन आर्गुमेंट, एंड बेटा आर्गुमेंट के लिए ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये पीछे गुजरा हमने बताया, द आएगा फ्रंट इसके लिए मगरबी महाज पर, चिप्स है एक कोई दूसरा किसी से कह रहा था। डज दैट मीन ही वॉज फाइटिंग फॉर द जर्मन्स, द बेटा जर्मन्स बेटा यहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया, जैसे इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव भी है और बेटा प्रॉपर नाउन भी है, ये दोनों है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जर्मन्स के लिए लड़ रहा था, आई सपोज दिस डज, दूसरे ने कहा यार मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है। सीम्स अ फनी एवेन, तो फिर अजीबोगरीब बात नहीं है, फिर वो हमारे खिलाफ लड़ रहा था। टू रीड हिज नेम आउट विद ऑल द अदर्स, के बाकियों के साथ उसका नाम लिया गया, आफ्टर ऑल ही वॉज एन एनिमी, जो भी था बहरहाल वो है तो हमारा दुश्मन, तो हमारी दुआ के अंदर उनका नाम जो है वो क्यों लिया गया बेटा, ये शरण में आ गया। हैवीली कबैडली सवेयरली एक्सीडिंगली इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा बेटा इससे मुराद है। सेंसर बेटा कट करना, ब्लैक लिस्ट, फॉरबिड, बैन, रिमूव, कट, सेवर, फास बेटा रुकने को कहते हैं, स्टॉप, हॉल्ट, डिले, पेल, डिम, घैस्टली, फेडेड, ब्लडलेस, थोड़ा सा लागर, कमजोर, इससे मेरा थोड़ा डरा हुआ भी होता है। अनयूजुअल बेटा एक्स्ट्रॉर्डनरी को कहते हैं, रिमार्केबल, स्ट्रेंज, और बेटा ब्लेम बेटा एक्यूज, एडवोनिश, सेंसर या चार्ज। तो दूसरा कहता है जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज, वो कहता है चिप्स के अपने ही ख्यालात हैं। आई एक्सपेक्ट मेरा ये ख्याल, द ओल्ड बॉय स्टिल हैज एम, एम बेटा यहाँ जैम की कॉन्ट्रेक्शन है, कहते मेरे ख्याल में ये बूढ़ा लड़के के भी वो नजरिया थे। देखिए द ओल्ड बॉय, यानी ओल्ड बॉय से मतलब उन्होंने बेटा चिप्स है, हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल नाउंस को स्पेसिफिक करने के लिए होते हैं। Chips in his room again was not displeased by the comment. इस तबसरे से, तबसरा कौन सा, ये वाला,
चिप्स बिल्कुल भी जो है वो डाउन हार्टेड नहीं हुआ था। यस ही स्टिल हैड देम, बिल्कुल चिप्स के भी वही नजरियात थे, दोज आइडियाज ऑफ डिग्निटी एंड जेनरोसिटी, ये नजरियात हैं अजमत के और बेटा खुले दिल के, सखावत के। ठीक है ना, ये चाहे वो दुश्मन है लेकिन पहले इंसान है, तो इंसानी ताल्लुक जो है इसको भी बहुत काउंट होता है बेटा, ये आला जर्फी में आएगा अगर आप दुश्मनी से पहले उसको इंसान कंसिडर करते हैं। दैट वर, और ये आइडियाज जो है बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर, और ये आइडियाज बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, कौन से बेटा, जेनरोसिटी के, इन द फ्रेंटिक वर्ल्ड, इस जुनूनी दुनिया में दा बेटा वर्ल्ड के लिए। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ब्रुकफील्ड विल टेक देम टू फ्रॉम मी, कि ब्रुकफील्ड ये नजरिया तो मुझसे ले लेगा, बट इट वेंट फ्रॉम एनीवन एल्स, मगर ये किसी और से ये नजरियात नहीं लेंगे, यानी कि मैं हेड हूं, मैं अगर अपने बच्चों को ये प्रचार करूंगा तो बच्चे ये नजरियात मुझसे जरूर ले लेंगे। वंस आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन ऑफ बेनेट प्रैक्टिस, एक दफा चिप से पूछा गया ये बेनेट प्रैक्टिस जारी है, ये असल में लंबा सा छुरा होता है जो बंदूक की नाल के ऊपर लगा होता है, सिपाहियों को इससे लड़ना सिखाया जाता है। अच्छा, एक तो ओपिनियन ऑफ होता है जहन में रहे, बींग कैरिड ऑन नियर द क्रिकेट पवेलियन, क्रिकेट पवेलियन जहां पर ये लोग जाते हैं और अपने पैड्स वगैरह उतारते हैं, क्रिकेटर वगैरह आउट होने के बाद उसे कहते हैं, ये प्लेयर बैठे होते हैं। ही आंसर्ड विद दैट लेजी, तो उसने वो लेजी स्लाइटली एस्थमेटिक इंटोनेशन, बेटा लेजी भी इंटोनेशन के लिए, एस्थमेटिक जो है स्लाइटली क्वालिफाई कर रहा है एस्थमेटिक को, एस्थमेटिक भी किसके लिए बेटा है, इंटोनेशन के लिए, यानी एस्थमेटिक और लेजी दोनों एडजेक्टिव है, स्लाइटली क्या हुआ एडवर्ब, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एस्थमेटिक। तो उसने अपने हल्के से सुस्त से वो दमा ज्यादा लहजे में कहा, दैट हैड बीन सो ऑफन एंड सो एक्स्ट्रावेगेंटली इमिटेटेड, जिसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली बहुत ज्यादा कॉपी किया जाता था, इट सीम्स टू मी अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, मुझे तो ये लोगों को मारने का बड़ा घटिया तरीका लगे। अभी बड़ी बात है कोई आपसे पूछे कि ऐसे दाद लेने के लिए जनाब ये चीज कैसी, और आप कहें यार ये तो बड़ी घटिया सी चीज है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी इस तरह बेइज्जती बेटा हो जाती है। दयान वॉज पॉस्ट, ये स्टोरी आगे सुनाई गई, दा बेटा यहाँ यान को क्वालिफाई कर रहा, एंड जॉयसली अप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया गया। हाउ चिप्स हैड टोल्ड सम बिग ब्रॉस हैड फ्रॉम द वॉर ऑफिस, कोई महादे जंग से या जंग के दफ्तर से कोई आया था, चिप्स ने से कहा द बेनेट फाइटिंग वॉज वुलगर, चिप्स ने से कहा ये तो घटिया तरीका है लोगों को मारने का, जस्ट लाइक चिप्स, चिप्स ऐसा ही है। एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, बेटा यहाँ एडजेक्टिव एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव वर्ड एज ए क्या इस्तेमाल हो रहा है, नाउन, उन्होंने एक एडजेक्टिव ढूंढ दिया था इसके लिए, एन एडजेक्टिव जस्ट बिगिनिंग टू बी यूज्ड, जो भी इस्तेमाल हुआ था, ही वाज प्री वॉर के, वो जंग से पहले गए, प्री कहते हैं पहले को, प्रो कहते हैं हामी को, यानी चिप्स जंग को डिसलाइक करता था। ठीक हो गया बेटा, तो ये बेटा हो गया हमारा चैप्टर जो इसमें अब ज्यादा अहम बातें, चिप्स को जो खत मिला स्विट्जरलैंड में उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी जो चिप्स ने दी, दूसरा ये बेटा कि चिप्स की हालत क्या थी जब उसने खत पढ़ा, और वो कमेंट क्या था जो चिप्स ने सुना, और चिप्स उस कमेंट से डिसप्लीज हुआ या प्लीज हुआ ये भी बेटा, और ये कि चिप्स ने बेनेट प्रैक्टिस के बारे में क्या कहा था। ठीक हो गया, सिनोनिम्स बेटा इसके रह गए, वो अभी हम देखते हैं। कमेंट बेटा रिमार्क, ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिसिज्म को कहते हैं, डिग्निटी बेटा एक्सेलेंस, नोबिलिटी, एड्रेस, कोर्डलीनेस को कहते हैं, जेनरोसिटी, ओपन हार्टेडनेस, हॉस्पिटैलिटी, अल्ट्रुइज्म को कहते हैं, फ्रेंटिक बेटा मैड, इनसेन, वाइल्ड, सेविज, बेनेट, स्टैब नाइफ, ये बड़ा सा एक वो लगा होता है बेटा, चाकू लगा होता है उसे कहते हैं ये। पेवेलियन बेटा टेंट, कैनोपी, कवर को कहते हैं, एस्थमेटिक बेटा दमे वाला, ब्लोन, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, चोकिंग, एक्स्ट्रावेगेंटली बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली, एक्सेसिवली, ग्रेटली, इनॉर्मस को कहते हैं, enormous as an adverb भी होता है, imitated बेटा copied, parodied, reproduced, vulgar बेटा rude, offensive, boorish, cheap, और yarn बेटा story, fable, parable और allegory को कहा। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा chapter जो है वो complete हो गया, इंशाल्लाह next lecture में next chapter start करेंगे, क्योंकि बेटा अल्लाह हाफिज़।